हाय एवरीवन, माय सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनने में भले ही लोगों को आसान लगता है, लेकिन जब कोई मेहनत के बल बूते बड़ा सपना पूरा करने की ठान ले तो वो साकार होकर ही रहता है। ऐसे ही राजस्थान के एक किसान के बेटे ने एक दो नहीं बल्कि 6 बार अपनी नौकरी छोड़ी। आज के बेरोजगारी के समय में उसने उन नौकरियों को ठुकराया जो हर कोई पाने को आतुर है, पर इस लड़के ने सिर्फ अफसर बनने और पुलिस की वर्दी के लिए उन्हें ना कर दिया। कभी रेलवे में गैंगमैन का काम करके पटरियां ठीक करने वाला ये शख्स आज पुलिस ऑफिसर है। उनका संघर्ष ही उनके हौसलों की कहानी सुनाता है कि कैसे कड़ी मेहनत से उन्होंने अपने कंधे पर सितारे लगवाए। दोस्तों, ये कहानी प्रहलाद सहाय मीना के एक मामूली मजदूर से ऑफिसर बनने तक की कहानी है। तो आइए जानते हैं इनकी स्टोरी। प्रहलाद सहाय मीना किसान के बेटे भी हैं, मेहनत और कामयाबी की मिसाल भी। इन्होंने वो कमाल कर दिखाया जो इनके आसपास के गांव में कोई नहीं कर सका। 6 बार सरकारी नौकरी लगी, 5 बार सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि भारतीय पुलिस सेवा का अफसर बनने का लक्ष्य था, जो उन्होंने पूरा कर दिखाया। 7 जनवरी 1988 को जन्मे प्रहलाद का रेलवे गैंगमैन से आईपीएस बनने का सफ़र आसान नहीं रहा। यूपीएससी में 3 बार और आरपीएससी में 1 बार असफलता भी मिली, मगर मेहनत करना नहीं छोड़ा। नतीजा हम सबके सामने है। प्रहलाद ने बयां किया अपनी कामयाबी का सफ़र जो हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। वो बताते हैं कि वे अपने परिवार और गांव से पहले आईपीएस हैं। खास बात यह है कि गैंगमैन के रूप में ये उड़ीसा में पटरियों की देखभाल व मरम्मत करते थे। संयोग देखिए कि अब उड़ीसा में ही आईपीएस अधिकारी हैं। वे बताते हैं कि 12वीं में भी मैं अपने कक्षा में स्कूल में प्रथम स्थान पर रहा था, लेकिन अब मेरी प्राथमिकता बदल गई थी। अब मुझे सबसे पहले नौकरी चाहिए थी, क्योंकि परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह मुझे जयपुर में किराए पर कमरा दिला सके और पढ़ा सके। प्रहलाद का बचपन गांव में बीता, पढ़ाई सरकारी स्कूल से हुई, 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 10वीं के बाद दोस्तों ने साइंस विषय लेने के लिए सलाह दी। प्रहलाद इंजीनियर बनना चाहते थे, मगर परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इंजीनियरिंग करने बाहर नहीं भेज सकते थे। गांव के पास किसी विद्यालय में विज्ञान संकाय नहीं था, ऐसे में कला संकाय से 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान पाया। फिर प्राथमिकता बदल गई, इंजीनियरिंग की बजाय सरकारी नौकरी लगाना चाहते थे। जयपुर में किराए का रूम लेकर रहे। 12वीं की पढ़ाई के दौरान इनके गांव के एक लड़के का भारतीय रेलवे में ग्रुप डी यानी गैंगमैन में सिलेक्शन हो गया। उससे प्रेरित होकर प्रहलाद मीना भी रेलवे की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए। साथ ही कॉलेज की पढ़ाई के लिए जयपुर आ गए, किराए का रूम लेकर रहने लगे। राजस्थान कॉलेज में प्रवेश लिया और बीए सेकेंड ईयर 2008 में पहली बार सरकारी नौकरी लगी। इन्होंने एक के बाद एक कई एग्जाम पास किए। वर्ष 2008 में भारतीय रेलवे में भुवनेश्वर बोर्ड से गैंगमैन बने। वर्ष 2008 में ही भारतीय स्टेट बैंक सहायक LDC पर नियुक्त हुए। वर्ष 2010 में भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI में प्रोविजनल ऑफिसर बने। रक्षा मंत्रालय के अधीन सहायक लेखा अधिकारी AAO बने। रेल मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी ASO बने। भारतीय पुलिस सेवा उड़ीसा कैडर के 2017 के IPS सबसे आखिरी में बने। सिविल सेवा परीक्षा में 3 बार हुए असफल, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार प्रहलाद सहाय मीना को सिर्फ सफलता ही मिली। सिविल सेवा परीक्षा में फेल हुए, मगर हौसला बनाए रखा, मेहनत करनी नहीं छोड़ी। इन्होंने वर्ष 2003 में दिल्ली आकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। वर्ष 2013 तथा 14 में मुख्य परीक्षा तक ही पहुंच पाए। 2015 में प्रीलिम्स परीक्षा में भी असफल हो गए। वर्ष 2016 के प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा में पास हुए और वर्ष 2017 में भारतीय पुलिस सेवा में चयन हुआ और आज उड़ीसा कैडर के IPS अधिकारी हैं। प्रहलाद कहते हैं कि आज मेरी सफलता के पीछे का जो कारण है, वह मेरे माता पिता द्वारा मुझे जयपुर के राजस्थान कॉलेज में एडमिशन दिलाना था। वहाँ मेरी ऐसे अच्छे अच्छे दोस्तों से जानकारी हुई
और मुझे विश्वास हो गया कि अगर सिविल सेवा में नहीं तो मैं एक अच्छी नौकरी जरूर पालूंगा। मिडिल क्लास भी नहीं, गरीब परिवार से वास्ता रखते हुए मेरे लिए एक अच्छी नौकरी खोजना बहुत आवश्यक हो गया था। मेरी मेहनत की वजह से मुझे सफलता मिलने लगी और मैंने पुलिस ऑफिसर को ही अपना लक्ष्य बना लिया। तो मैंने ठान लिया, मेरी इच्छा थी कि बस एक बार सिविल सेवा परीक्षा पास ही करनी है और दुनिया को दिखाना है कि मैं भी यह कर सकता हूँ। मेरे जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चों को मेरी सफलता से आत्मविश्वास मिलेगा कि वो भी सिविल सर्विस में जाकर अधिकारी बन सकते हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी, आपने काफ़ी कुछ इस स्टोरी से सीखा होगा और आगे आने वाले वीडियोस का आप भी बहुत ही एक्सट्रीमली वेट कर रहे होंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाली स्टोरीज़ नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको क्लिक करके उन सारी स्टोरीज़ को भी वॉच कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, और आप उन्हें भी बता सकते हैं और उन लोगों को भी इस लिंक को शेयर करके ये वीडियो देखने के लिए कह सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।